हेलो फ्रेंड्स, खबर 100 में आपका स्वागत है और मैं हूँ साक्षी जैन और आपके सामने फिर हाजिर हूँ बॉलीवुड की कुछ चटपटी खबरें लेकर। तो आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो मैं आपको परोसने जा रही हूँ। भाईजान की फिल्म ने रिलीज होते ही मचाया धमाल। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने ई टैक्सी स्टार्टअप में किया 21 करोड़ रुपयों का निवेश। एक्टर अविनाश तिवारी ने की करण जौहर की तारीफ, बोले निर्माताओं को क्रेडिट कम मिलता है। द कपिल शर्मा शो में पहुंची गुड न्यूज की टीम। एक्ट्रेस सारा अली खान ने तैमूर के बर्थडे पर शेयर की फोटो, छोटे भाई के साथ यूं मस्ती करती नजर आई सारा। आइए अब खबरों को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की दबंग 3 बीते दिन रिलीज हो चुकी है। वैसे तो सलमान खान की दबंग 3 को लेकर दर्शकों में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, साथ ही भाईजान को भी अपनी फिल्म से बहुत उम्मीदें थी। खास बात तो यह है कि रिलीज के पहले से ही दबंग 3 सोशल मीडिया पर छाई हुई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण सिर्फ एक सक्सेसफुल अभिनेत्री ही नहीं बल्कि वह कुशल इन्वेस्टर भी है। जानकारी के अनुसार दीपिका पादुकोण ने ई टैक्सी स्टार्टअप ब्लू स्मार्ट में इन्वेस्ट किया है। इस साल की शुरुआत में यह पता चला था कि दीपिका ने $3 मिलियन यानी कि करीब 21 करोड़ रुपयों का ब्लू स्मार्ट नामक कैब सर्विस में इन्वेस्ट किया है। फिल्म लैला मजनू से बॉलीवुड में कदम रखने वाले एक्टर अविनाश तिवारी अब करण जौहर के बैनर तले बनी नेटफ्लिक्स की आने वाली फिल्म घोस्ट स्टोरीज में नजर आएंगे। आपको बता दें कि यह फिल्म 4 डरावनी कहानियों का एक संगम है। एक्टर अक्षय कुमार, करीना कपूर, दिलजीत दोसांझ और कियारा आडवाणी की अपकमिंग फिल्म गुड न्यूज का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं। फिल्म का प्रमोशन करने के लिए गुड न्यूज की टीम द कपिल शर्मा शो के 100वें एपिसोड में पहुंची। शो में अक्षय कुमार सहित पूरी कास्ट ने जमकर मस्ती की और ढेर सारे किस्सों का खुलासा किया। स्टार किड तैमूर अली खान के तीसरे बर्थडे पर एक्ट्रेस सारा अली खान ने तैमूर के साथ अपनी कुछ फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है जो जमकर वायरल हो रही हैं। इस खास मौके पर उनके मम्मी पापा यानी सैफ और करीना ने एक शानदार पार्टी भी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें परिवार के साथ बॉलीवुड के बाकी स्टार किड्स भी शामिल थे। फिलहाल इतना ही बॉलीवुड के हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए खबर 100 के साथ जनता की बुलंद आवाज़।